हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सब क्वेश्चन विच वॉज गिवन बाई मी स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको कल दिया गया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स एक्स मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो आपको बताना है पहले, जो हमारा सल्फर है, 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला छोटू होता है, तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एक्स मॉलिक्यूल्स। इसमें एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, मोलर मास निकालेंगे, मॉलिकुलर मास निकालेंगे, कितना आएगा सल्फर का 32 प्लस 2 इंटू 1, ऑक्सीजन का 15 होता है, तो इज इक्वल टू 32 प्लस 16 इंटू 32 इज इक्वल टू 64 आ गया। यानी 64 ग्राम, 1 मोल में 64 ग्राम होंगे सल्फर के। तो आप कह सकते हैं 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1/64 मोल, ठीक है। 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में 1/64 मोल्स होंगे। इसी टाइप से आप कह सकते हैं 1 ग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होंगे, 1 मोल होंगे, नहीं 1 मोल 1 ग्राम में नहीं, 32 ग्राम में होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम हो गया। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल होते हैं, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने होंगे, 1/32 मोल होंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी मोल्स, मतलब 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने सल्फर डाई, 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, जो हमारा ये 64 है, ठीक है, 1/64 दे रहा है ना, तो आप कह सकते हैं 1/64 इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू x हो रहा है, ठीक है ना। तो आप 1/32 इज इक्वल टू, जब 1/64 मोल इज इक्वल टू x है, तो 1/32 है, हम लोग ऐसा करेंगे, इस 64 को हम लोग 32 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कट जाता है, तो 2 आ जा रहा है, यही आपका क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है हमारे कि ऑक्सीजन O2 में 2x मोल होंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया है पहला क्वेश्चन। देन देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज 4.65 × 10^23 ग्राम, व्हाट इज इट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो देखिए पहले क्या करना है, लिख देना है मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू कितना है, 4.65 × 10^-22 23 ग्राम, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.65 × 10^-23 इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 × 10^23, ठीक है, 23 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है आपका 4.65 × 6.022, दोनों जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर नियर अबाउट इसका आ जाता है 28, ठीक है, नियर अबाउट 28 यूनिट आ जाता है, और यही इसका क्या हो जाता है, मॉलिकुलर मास हो गया। तो मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 28 यूनिट हो गया है। आप देखिए आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट कुड दिस सब्सटेंस बी, मतलब ये सब्सटेंस कौन सा है, या यू कहें ये सब्सटेंस का नाम क्या होगा। देखिए 28 यूनिट किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 28 होता है, तो ये आपका नाइट्रोजन एटम है, ठीक है ना। तो कौन सा सब्सटेंस है, नाइट्रोजन है, और इसकी एटॉमिक मास 28 होगी, या कोई मॉलिकुलर मास 28 होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच कंटेन मोर मॉलिक्यूल्स, मतलब कौन ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, 10 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए थर्ड की अगर हम बात करें,
तो थर्ड में देखिए 10 ग्राम की बात हो रही है और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का देखिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड का पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, 32 + 16 × 2 = 32 + 32 = 64 हो गया, 64 इसका मॉलिक्यूलर मास हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आप कह सकते हैं कि हमारा जो एवोगाड्रो नंबर होता है क्या होता है, 6.022 × 10²³ होता है, ठीक है। अब 10 ग्राम में पूछ रहा है तो 10 कर देते हैं, 10 × इतना, ठीक है, और कितना है ये 64 इसका मास है, तो 10 × 6.022 × 10²³/64 ये क्या हो जाता है इसका, ये इसका हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हो गए हो जा रहे हैं, ठीक है, इसके लिए है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। तो इसको आप हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है ना, और रेंज करेंगे तो क्या हो जाता है नियर अबाउट ये 9.4 × 10²² मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के हैं, ठीक है ना। अभी तरीके से हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, ठीक है, 10 ग्राम ऑक्सीजन का भी निकालते हैं, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन का निकालेंगे, मोटी पर कितना हो जाता है मॉलिक्यूलर मास, 16 × 2 = 32 हो जाता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं 10 ग्राम है, 10 को एवोगाड्रो नंबर पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपान 32 कर देंगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 5 जा 16 हो गया, और रीअरेंज करेंगे तो इसका आ जाता है नियर अबाउट 18.8 × 10²² मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो आप देखते हैं 18.8 × 10²² इज ग्रेटर देन 9.4 × 10²², ठीक है, और ये किसका होता है, ऑक्सीजन का है, और ये किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन में O2 में क्या होते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा यही 3 क्वेश्चन थे आपके, कि पहला क्वेश्चन क्या था, मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना था 1 ग्राम ऑक्सीजन में, दूसरा आपको क्या था, मॉलिक्यूलर मास और सब्सटेंस बताना था, और थर्ड था आपका किसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड में या ऑक्सीजन में। तो बेटा यही क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और अगर अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा वो हमसे पूछ सकता है। तो बेटा तब तक और आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।